हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म अंसारी, आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया द्वितीय यानी कि भूल भुलैया 2 के डे नंबर 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई, द न्यू सुपरस्टार इन टाउन? यस मेरा भाई, कार्तिक आर्यन इज जस्ट रूलिंग द रूस्ट राइट नाउ। उनका जो स्टारडम है स्पेशली भूल भुलैया 2 के कलेक्शन के बाद, इट हैज नो बाउंड्स, इट हैज नो लिमिट्स। सीरियसली, ही इज द टोस्ट ऑफ टाउन। हर जगह कार्तिक 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 आर्यन के चर्चे जो है पूरे के पूरे बॉलीवुड में चल चुके हैं, क्योंकि गाइस वो काम जो बड़े बड़े स्टार्स नहीं कर पाए वो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने कर दिया। एंड भैया अनीस बज्मी का क्या कहना है, फिर से वही लंबी कतार है अनीस भाई के वहां लग चुकी है। एंड अब अनीस बज्मी स्क्रिप्ट कहीं लेकर नहीं जाएगा, अब प्रोड्यूसर अनीस बज्मी के घर जाएगा कि भैया हमारी फिल्म डायरेक्ट कर लीजिए। ये होता है एक फ्राइडे का कमाल, एंड दैट इज द रूल ऑफ द इंडस्ट्री। मेरा भाई, चढ़ते हुए सूरज को सलाम, झुकते हुए सूरज को टाटा बाय बाय। तो गाइस आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी व्हाट डे नंबर 6 हैज इन स्टोर फॉर भूल भुलैया द्वितीय। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गाइस वर्ल्ड वाइड टोटल के साथ, क्योंकि गाइस भूल भुलैया इज स्पिटिंग फायर। 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड डेफिनेटली जाने वाला है इस फिल्म का। 5 दिनों में इस फिल्म ने 76.27 करोड़ यानी कि 76.27 करोड़ की जो कमाई है वो कर ली है, जिसका इंडिया ग्रॉस होता है 91.47 करोड़। तो 5 दिनों में केवल इंडिया में ही 91.47 करोड़ रुपीज का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे भूल भुलैया 2 ने वो कर लिया है। एंड गाइस ओवरसीज 3 दिनों में इसने 17 करोड़ कमाया है, यानी कि गाइस 5 दिनों में पूरे विश्व भर में 108 से 109 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। इसमें डे 4 एंड डे 5 का ओवरसीज ऐड नहीं किया है। डेफिनेटली डे 4 एंड डे 5 में इसने एटलीस्ट 4-4 करोड़ पकड़ लीजिए आप लोग, 8 करोड़, यानी कि भूल भुलैया अभी कहीं ना कहीं 118-119 करोड़ पे पहुंच गई है। एंड डेफिनेटली इट्स अ 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर, जो कि इस टाइम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो गाइस आज इसका डे नंबर 6 है, लेट्स सी डे नंबर 6 पे ये क्या कारनामा करती है। क्योंकि गाइस अभी शाम से टॉप गन मैवरिक के जो शोज है वो शुरू हो चुके हैं, एंड कल से टॉप गन मैवरिक जो है फुल फ्लैश रिलीज होगी। तो थोड़े बहुत शो काउंट में कमी आएगी, उसकी रिपोर्ट कल सुबह के एपिसोड में मिलेगी कि एग्जैक्टली कितने शोज जो कम है। आज की बात करें गाइस तो मॉर्निंग शोज फॉर भूल भुलैया 2 वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखिए गाइस यहां पर 6th डे जो है इस फिल्म का बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हुआ। बात करें गाइस मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 12% की थी, आफ्टरनून 17% आई, इवनिंग शोज 22% पे, एंड रात के शोज फिलहाल 27% पे चल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। तो गाइस शुरुआत हम करते हैं मुंबई के साथ। मैं आपको आज के एंड कल के शोज में कितने डिफरेंस है वो पहले बता देता हूं। तो गाइस मुंबई की बात करें तो गाइस मुंबई में 877 शोज में आज की ऑक्यूपेंसी जो रात की चल रही है वो है 33%, कल 875 था, यानी कि 2 शोज यहां पे बढ़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की गाइस बात करो, दिल्ली एनसीआर में ऑक्यूपेंसी रात के शोज की फिलहाल 23% की है, एंड शोज जो है वो 974 है। 974 शोज में 23% की जो ऑक्यूपेंसी है काफी अच्छी है। पुणे में बात करें गाइस तो 324 शोज है, ऑक्यूपेंसी की बात करो तो गाइस 22% है, विच इज ब्रिलियंट। बात करो बेंगलुरु की तो बेंगलुरु में अभी फिलहाल रात के शोज जो है वो 20% पे चल रहे हैं, एंड गाइस शो काउंट इज 242। बात करेंगे यहाँ पर हैदराबाद की तो 226 शोज है, 226 शोज में ऑक्यूपेंसी इज 15%। बात करेंगे यहाँ पर अन्य शहरों की, कोलकाता में 275 शोज है, एंड 275 शोज में ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, कोलकाता इज डूइंग रियली गुड बिजनेस। रात के शोज फिलहाल 39% पे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में अविश्वसनीय है। बात करेंगे इस अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में अभी रात के शोज 34% पे चल रहे हैं, एंड शो काउंट जो है वो 385 का है, यानी कि शो काउंट एंड ऑक्यूपेंसी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शो काउंट बढ़ रहे हैं एंड ऑक्यूपेंसी स्टेडी चल रही है, भूल भुलैया रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि गाइस वर्ड ऑफ माउथ जो है इस फिल्म का बहुत ही मजबूत है। जो फिल्म देखकर आ रहा है ये नहीं कह रहा है कि फिल्म खराब है। बात करें चेन्नई की तो 49 शोज है, एंड चेन्नई में ऑक्यूपेंसी फिलहाल 59% की चल रही है, यानी कि कल के लेवल की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है। बात करूं गाइस सूरत की तो सूरत में फिलहाल 23% की ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट इज 223। जस्ट इमेजिन, कल सूरत में 214 शोज थे एंड आज सूरत में 223 शोज है, यानी कि शोज भी बढ़ रहे हैं एंड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। बात करें जयपुर की तो जयपुर में फिलहाल 15% की ऑक्यूपेंसी है एंड शो काउंट इज 153, शोज आर इंक्रीजिंग एवरी डे। बात करो चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में ऑक्यूपेंसी 27% की चल रही है एंड शो काउंट यहाँ पे एग्जैक्ट 100 है। भोपाल में 93 शोज है जहां पर ऑक्यूपेंसी जो है इसकी 27% की, एंड लखनऊ में इसकी ऑक्यूपेंसी 20% की है, एंड गाइस शो काउंट इज 189। लखनऊ, भोपाल, एवरीवेयर
shows are increasing. Bhool Bhulaiya is a massive super duper hit. And guys, Saturday ko isko ek blockbuster tag milne wala hai. Yes friends, it is getting a blockbuster tag. बहुत ही जबरदस्त तरीके से कलेक्शन आ रहे हैं. And my prediction for Bhool Bhulaiya 2 on its day number 6 is 8.35 से लेके 8.65 करोड़. Yes friends, 8.35 से लेके 8.65 करोड़ ये फिल्म जो है वो कमाते हुए दिखाई दे रही है. And अगर ये कल 8.5 करोड़ भी कमाती है, brace yourselves, Bhool Bhulaiya 6 दिनों में फक्त 6 दिवसों में 84.77 यानी कि 84.77 करोड़ जो वो कमा लेगी. एंड लास्ट डे इसके लिए 7 करोड़ या 7.5 करोड़ रुपए कमाना एक केक वॉक एंड चॉकलेट होगा. यानी कि पहले हफ्ते में Bhool Bhulaiya कहीं ना कहीं 92 से लेके 93 करोड़ कमा लेगी. लेट्स सी गाइस फ्राइडे क्या होता है तो वक्त ही बताएगा. आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. क्या लगता है Bhool Bhulaiya का सफर 150 करोड़ पे रुकेगा या फिर और ऊपर जाएगा? कमेंट सेक्शन इज योर्स. इसमें आमरन साड़ी साइनिंग ऑफ. यू गो सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.